एक क्लास ऑनलाइन है आपके, हम आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन आप हमसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कभी। समझ रहे बात? हमसे झूठ बोलो चलेगा, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना, अपने आप के प्रति हमेशा ईमानदार रहना। तो आप बात समझ गए होंगे कि चीटिंग नहीं करना। देखते हैं कितने आप बता सकते हैं, कितने नहीं बता पा रहे। तो पहला क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश का, आप छांसिए विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार पहला क्वेश्चन। फिर कहेंगे उत्तर प्रदेश, दूसरा पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का आकार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। तीसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, हाँ 2011 के अनुसार, समझ रहे हैं आपकी बात, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कर देते हैं शॉर्ट, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। छठा क्वेश्चन पश्चिम से पूर्व की लंबाई। सातवां क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, उत्तरी जिला, ठीक है। आठवां क्वेश्चन पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला, उत्तरी जिला, एक और बच्चा वो भी लिख लेना दक्षिणी जिला। आठवां क्वेश्चन देखते हैं नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिले या जिलों को स्पर्श करता है। नौवां हरियाणा कितने जिलों को स्पर्श करता है। दसवां क्वेश्चन आपको बताना है, एक बहुत सरल क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं आप लोगों से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो नहीं आ रहे, हमें देख नहीं पड़े, लेकिन देखने लगे, तुम्हारे लिए एक बहुत सस्ता और सरल क्वेश्चन आपको बताते हैं। और दसवां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ कितने जिलों को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है, ये आपके सामने 10 क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये वाली क्लास को अगर बेहतरीन तरीके से सुना होगा, चीज़ों को बढ़िया से समझी होंगी, तो आपको यह दारिक 10 के 10 क्वेश्चन तुरंत ही याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर चाहो तो इसके जो आंसर हैं आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।